रानी रानी रानी, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे बेटा। हाँ पापा। अच्छा बेटा सुनो, हम थोड़ा पिंकी के शादी में आया है तो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, शायद कल दोपहर तक ही आना होगा हमारा। कल आफ्टरनून में? हाँ हाँ भाई भाई आफ्टरनून, ठीक है ना? अच्छा ठीक है पापा, कोई बात नहीं। अरे हाँ, घर पे खाना पीना खा के सो जाना, बाहर कहीं जाना मत। हाँ हाँ ठीक है पापा, कोई बात नहीं। चलो ठीक, बाय। यार पापा तो कल शाम तक आएंगे, तो क्यों ना घर पे अकेले रहने का फायदा उठाया जाए। आनंद से बोल के किसी लड़की को बुलाता हूँ आज, और वैसे भी मेरी आज ही सैलरी आई है। आनंद ने मुझे एक बार रूबी के बारे में बताया था, एंड शी इज सो हॉट, तो बिना देरी किए इस मौके का फायदा उठाते हैं। किसका फोन आ गया? राहुल, ये इस टाइम क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ राहुल बोल। सुनना आनंद, कहाँ पर है? बस मैं घर पे ही हूँ। क्या हुआ? अरे सुनना यार, मेरे को तुझसे एक जरूरी अर्जेंट बात करनी थी। मुझे ना यार तुझसे काम था। हाँ बोलना, क्या काम है? मेरे मम्मी पापा है ना कहीं बाहर गए हुए। तो यार मैं ना ये सोच रहा था कि आज घर पे अकेला हूँ तो तेरे कॉन्टेक्ट में कुछ कॉल गर्ल्स है ना। कॉल गर्ल? हाँ, मुझे ना नंबर चाहिए था यार। और तुझे क्या जरूरत पड़ गई? अरे अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, तू भी कैसी बात कर रहा है यार, मेरी मम्मी आज घर पे नहीं है, इसलिए सोच रहा था कि आज नाइट में थोड़ा। तूने मेरे को एक बार रूबी के बारे में बताया था, याद है? तो रूबी का नंबर दे देना यार। अच्छा बेटा, तो अब लगता है बेटा तू जवान हो गया है। अरे कैसी बात कर रहा है? नहीं अभी भाई तेरे मम्मी पापा है नहीं, और घर में तू अकेला है, तो कोई ना कोई साथ में चाहिए ना तेरे को। मेरी भावनाओं को तू ही समझ सकता है, और देख यार मैं भी अभी तक वर्जित हूँ, और कब तक रहूँगा यार। यार मुझे उसका नंबर चाहिए था यार। चल अच्छा कोई नहीं, तुझे मैं नंबर भेजता हूँ, उसे कॉल कर लेना। लेकिन हाँ चार्ज बहुत ज्यादा लेती है, फिर तो संभल के रहना। कितना? कम से कम तेरा 5-7 हज़ार तो लगेगा। अरे हाँ हाँ वो मुझे पता है, तू टेंशन मत ले, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ चल ठीक है, एक काम कर, मैं तुझे उसका नंबर देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा चल भाई। इस साले को अचानक जवानी कहाँ से चढ़ गई। चलो कोई बात नहीं, रूबी का नंबर भेजता हूँ इसको। मैं रूबी। रूबी? कौन रूबी? क्या सर, आपने इस फोन करेला ना सर्विस के लिए? सर्विस? हाँ हाँ मैंने फोन किया था। आइए आइए अंदर आइए आइए। मैडम आप कुछ लोगे, चाय पानी या फिर कुछ ठंडा? ये तो पागल वगल है क्या, मैं कुछ यहाँ पे चाय पानी या ठंडा पीने नहीं आई हूँ। जिस काम के लिए मुझे बुलाया है ना वो काम करो, और मुझे जल्दी फ्री करो। तो मैम चले। किधर? काम करने मैम। ये तो एड़ा है क्या, तुझे पता नहीं है क्या, रूबी पहले पैसा मांगती है फिर सर्विस देती है। पैसा? हाँ हाँ वो
आनंद जी ने बताया था आपको पैसा देना है। मैं अभी देता है पैसा। एक मिनट। ये लीजिए मैडम। चल ठीक है। और तू खड़ा क्यों है? बैठना इधर। साला मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रेस्टोरेंट में आयला है और तू यहाँ का वेटर है। बैठो बैठो। क्या बे, और तू इतना शर्मा क्यों रहा है? वो क्या है ना मैम, आज तक मैंने कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं है। क्या बात कर रहा है, हैं? कभी किसी लड़की को छुआ नहीं है? नहीं मैम। मतलब तूने आज तक कभी किसी के साथ रिलेशनशिप ही नहीं बनाया? नहीं मैम। कोई गर्लफ्रेंड तो होगी तेरी? नहीं, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं मैडम। अच्छा, मतलब तू वर्जिन है? हाँ मैम, मैं वर्जिन हूँ। साला ये सब फ्रेशर लोग रूबी के पास ही आते हैं क्या? चल कोई बात नहीं, लगता है अब तुझे भी मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आज मैं ना तुझे ऐसी ट्रेनिंग दूंगी कि तू कल से शर्माना भूल जाएगा। चल चल, बैठा क्या है? अबे चलना। क्या बात हुई? मैम वो पहली बार है ना, इसलिए थोड़ा शर्म आ रहा है, अजीब लग रहा है। देख मेरे पास ना सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। 2 घंटे में ना तुझे जो करना है ना वो तू कर, इसके बाद मेरा टाइम ना पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे दूसरे भी क्लाइंट्स हैं। समझा बात को? हाँ मैम। एक काम कर, तू जब पानी पी के आ। हाँ ठीक है मैडम। हाँ। पानी पी के आता हूँ। पता नहीं ये रूबी को कैसे कैसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, साला खाली फोकट धंधा खोटी करते हैं। हो गया फ्रेश? हाँ मैडम हो गया। और सुन, अब ना तेरे 2 घंटे पूरे होने वाले हैं। अब तुझे जो करना है ना वो तू जल्दी कर। और सुन, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, ठीक है? अब चल आजा फटाफट। चल अब शर्ट भी तू खोलेगा या मैं खोलूं? मैडम चलो चलो जल्दी। मैडम पर मैडम। क्या है तेरा नाटक? हाँ ये ना सब तेरे बस का नहीं है। हाँ खाली खोटा मेरा धंधा बर्बाद करते हो। और सुन मेरे पास ना बहुत क्लाइंट्स है, थोड़ा जल्दी कर। और सुन अब ना मुझे बहुत नींद आ रही है, तुझे जब भी मूड हुआ ना तब तू मुझे उठा देना। सो रही हूँ मैं। Thank you.
ओ गॉड, एजेंट का कॉल। ओए ओए उठना अबे साले, उठना, टाइम देख कितना हो रहा है। मेरे एजेंट के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं उनको? साला तुझे कुछ फीलिंग नहीं आया क्या? पूरी रात तेरा मूड ही नहीं बना क्या? खाली खोटा मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। तेरी वजह से मेरे 4 क्लाइंट्स चले गए, पता है तुझे? अब एक काम कर, चल मेरा पैसा निकाल और मैं निकलती हूँ यहाँ से। पैसा? अरे मैडम, कल रात को तो मैंने आपको पैसा दिया था और मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी मैंने आपको पैसा दिया। ए, तेरे कुछ करने का मैं पैसा नहीं लेती, मेरे वक्त का पैसा है वो। ये जो पूरी रात तूने बिगाड़ी उसका क्या? वक्त का पैसा है मेरा, तो कुछ करे के नहीं करे उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। पर मैडम, आपको तो मैं पैसे तो सारे दे चुका हूँ, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? देख, मैं कुछ नहीं जानती, जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाएगी। पर मैडम, मैंने तो आपको सारे पैसे दे दिए और जितनी बात हुई थी उतने पैसे मैं आपको दे चुका हूँ मैडम। खाली खोटी मेरे साथ जबान मत लड़ा, चुपचाप मेरा पैसा निकाल, और जब तक तू पैसा नहीं देगा ना तेरा चार्ज बढ़ता जाएगा और मैं यहाँ से नहीं जाएगी। मैडम प्लीज, देखिए आप ऐसा मत करिए, अभी मेरे मम्मी पापा है नहीं, सुबह मेरे मम्मी पापा पहुँचने वाले घर पे, उन्हें अगर ये सब पता चल गया ना तो मैडम बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो ये चीज तुझे पहले नहीं समझ में आई? साला, होता तो कुछ नहीं है और रूबी को बुलाता है, मेरा पैसा निकाल फिर मैं इधर से जाएगी, वरना नहीं जाने वाली मैं। ठीक है मैडम, मैं लेके आता हूँ पैसा। हाँ चल लेके आ जा। साला, खाली खोटा मेरा टाइम बर्बाद करता है, अभी मैं एजेंट को क्या जवाब दूंगी? ये लीजिए मैडम, जितने पैसे थे मेरे पास ये सब ले लीजिए। क्या है ये, सिर्फ 10,000? मैडम जितने मेरे पास थे वो सारे दे दिए मैंने। देख, तूने ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, ठीक है? तेरी वजह से मेरे 4 क्लाइंट्स चले गए, मेरे एजेंट के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, मेरा 40,000 का तूने नुकसान करा दिया है, इसलिए अब तू मुझे पूरा पैसा दे, 40 के 40,000। मैडम मैं 40,000 कहाँ से लाऊंगा? मैडम मैडम मेरे पास खाली 15,000 थे जो मुझे कल सैलरी मिली थी, उसमें से मैंने आपको रात को 5,000 दिए और अब भी 10,000 रुपए दिए। सो प्लीज मैडम, ये पैसे आप रखिए और यहाँ से चले जाइए। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? बिना पैसे के मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। देखिए मैडम, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम, प्लीज चले जाइए मैडम। सुन, पैसा दे फिर हिच में यहाँ से जाएगी, वरना मैं सुबह तक यहाँ पेश बैठी रहेगी और तेरे माँ बाप आएंगे ना, उनको भी पता चलेगा। अपने बच्चों की करतूत पता चलेगी। मैडम देखो, प्लीज मैडम, प्लीज ऐसा मत करिए आप, मेरे पापा को पता चल गया तो मुझे बाहर निकाल देंगे मैडम। अगर इतना ही तुझे डर है ना तेरे बाप का, तो जा पैसे लेके आ। मैडम प्लीज समझिए, टाइम खोटी मत कर और मेरा पैसा लाके दे अभी, जाओ जल्दी। तो मैं प्यार से समझा रहा हूँ पर इसे मेरी बात समझ नहीं आ रही, साली मेरे भोलेपन का फायदा उठा रही है। इसे अभी तक पता नहीं है कि रोनी क्या चीज है।
सारा पैसा देने के बावजूद मुझसे और पैसों की डिमांड कर रही है। लगता है इसे मेरी असली औकात दिखानी पड़ेगी। देखो मैडम, मेरे पास जितने पैसे थे मैं आपको वो सारे दे चुका हूँ। यहाँ तक कि मेरी सेविंग भी सारी दे दी मैडम आपको। अब और पैसे नहीं है मेरे पास। अभी मेरे मम्मी पापा भी आ जाएंगे, इससे पहले प्लीज निकलिए आप। ओए सुन, तूने ना पहले से ही मेरा टाइम बहुत बर्बाद कर दिया है और मैं ना यहाँ से पैसे लिए बिना नहीं जाने वाली। तुझे जो करना है ना वो तू कर। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना? तू रोनी को हल्के में ले रही है। मैं तुझे अभी भी बता रहा हूँ, जितना शरीफ दिखता हूँ ना उतना शरीफ हूँ नहीं। अगर ज्यादा बोलेगी ना तो निपटा दूंगा यहीं पे, समझी? साले तूने ना रूबी से पंगा लिया है, अब देख के मेरे साथ क्या करती हूँ। मैं ना अब जा रही हूँ पुलिस स्टेशन और अब ना तेरे ऊपर रेप केस लगेगा और वो कौन करेगा? रूबी। साला मुझसे पंगा लेगा क्या? पुलिस स्टेशन में जाएगी हरामजादी, मेरे बारे में कंप्लेन करेगी, रोनी की कंप्लेन करेगी। हट! रूबी, 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 हे रूबी, रूबी, इसके पहले कि मेरे मॉम डेड आ जाए इसकी लाश को ठिकाने लगा देता हूं। रानी, रानी, उठो रानी, देखो कौन आया है। रानी, रानी, देखो रानी, मैं आ गई। रानी, रानी, मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगी।